हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रही हूँ, एग बिरयानी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ और खासकर जिनको भी एग बहुत ज़्यादा पसंद है वो इस रेसिपी को, ये बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी बिरयानी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बिरयानी को हमें किस तरह से बनाना है। तो इस बिरयानी में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये खासकर बैचलर्स के लिए है जिनको एग बिरयानी खाना बहुत पसंद है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बॉइल्ड राइस ले लिए है। ये जो राइस है बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था और राइस भीगने के बाद मैंने इसे अच्छे से बॉइल कर लिया है 100% कुक। अगर आप चाहें तो अगर रात के बचे हुए चावल आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए कुछ खड़े मसाले और कुछ पाउडर मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं मैंने, काली मिर्च भी ले लेंगे 5 से 6 और यहाँ पे 5 से 6 लौंग इसे बनाने के लिए। अब पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। मसाले आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे तीखा खाना पसंद करते हो। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यहाँ पे इसे बनाने के लिए ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैकेट 2 टेबल स्पून यूज़ करने वाली हूँ। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट के लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्याज, टमाटर एंड ऑल। सो यहाँ पे मैंने 4 बॉइल्ड एग ले लिए है जिसको हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है। और हमें यहाँ पे चाहिए कुछ पुदीना पत्ती और कुछ हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, जिसको मैंने बहुत बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। आप अगर चाहे तो इसकी पेस्ट भी ले सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उसको मैंने लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है, जो हमें बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई करना है। और बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको बहुत बारीक चौकन इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमने अपने से चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो बिरयानी बनाने की जो फर्स्ट स्टेप है वो होगी, एक जो है हमने बॉईल किए हुए जो एग लिए थे उसको यहाँ पे, ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। और जब हम एग्स को फ्राई करेंगे ना, तो तेल में डालते ही जो छींटे उड़ने लगते हैं वो ना आए। तो उसके वजह से आप यहाँ देखो कि अब मैं यहाँ पे इस पर डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देंगे गर्म मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें डालने वाली हूँ, ताकि जो मैरिनेशन है हमारा वो बहुत अच्छे से हो जाए या मसाला जो है वो इस पर अच्छे से लग जाए। तो मैं यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपने हाथों से सारे एग्स पे इसको अच्छे से रब कर लूँगी। तो ये अब बनकर बिल्कुल तैयार है बिरयानी बनाने की तरफ। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, आप नॉनस्टिक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, ताकि हमको प्याज को जो है वो फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के लिए ऑयल की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। और प्याज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे चलाते हुए हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक हमारे प्याज का जो कलर है वो गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता। और हमारी प्याज यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका जो कलर है बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। बस अब इससे ज़्यादा मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि प्याज को अगर हम निकाल भी देना तो इसमें ऑयल रह जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट रहती है। तो बस इसी से ऑयल कम कर दूँगी और इसी में अब मैं यहाँ पर एग्स को फ्राई कर लूँगी। अब एग्स को हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाए और एग भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। इसे लगातार चलाते हुए, इसे सब साइड से चेंज करते हुए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया इसमें कोटिंग आ गई है। सेम पैन में इसी ऑयल में मैं यहाँ पर बिरयानी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर जितने मसाले लिए थे उसमें से मैं गर्म मसाले यानी कि जो खड़े मसाले हैं उसको सबसे पहले यहाँ ऐड कर दूँगी। और जैसे ही खड़े मसालों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। जब हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे, इसे चला लेंगे अच्छे से और इसे चलाते हुए हम 2 से 3 तक फ्राई कर लेंगे, जब तक प्याज का जो कलर है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता। अब आप यहाँ देखोगे कि प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी चला लेंगे अच्छे से और इसे चलाते हुए हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता। 1 से 2 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद सभी पाउडर मसाले ऐड कर दूंगी और इसे भी चला लेंगे अच्छे से। ध्यान रहे गैस की जो फ्लेम है वो लो रखेंगे। और लो फ्लेम के साथ साथ अब मैं यहाँ पे ये जो बिरयानी मसाला मैंने लिया था वो भी ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब करीब बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ 2 गिलास चावल के लिए, यानी कि 2 कप चावल के लिए। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। गैस की जो फ्लेम है वो लो होनी चाहिए, ताकि मसाले जो है वो जले ना। और मसाले जलने नहीं चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे फौरन इसमें
ऐड कर दूंगी बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे जल्दी है और टमाटर जल्दी से पक जाए यानी कि गल जाए, इसके लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट यानी कि नमक स्वादानुसार। और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करके हमें टमाटर को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है या इसे तब तक पका लेना है जब तक मसाला बहुत अच्छे से पक के ये जो मसाला है वो साइड से तेल नहीं छोड़ने लगता। तो बस ये 3 से 4 मिनट लेगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे साइड से इस तरह से तेल छोड़ने के लिए पक्का बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल निकलने लगा है। और अब मैं इसमें ऐड की हुई ऑनियन और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे जो ऑनियन है उसको मैंने यहाँ पे आधा ऑनियन इसमें डाला है, बाकी का मैं इसके ऊपर से सर्व कर दूंगी। अब हम सबको मिक्स करके 1 मिनट तक के पकाएंगे। आधा लेमन का जूस जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी, आपके टेस्ट पर डिपेंड है। और अगर आप राइस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले रहे हो तो आप एक फुल लेमन जूस भी ले सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब इसे सबको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है राइस ऐड। तो यहाँ पर मैंने जो पहले ही राइस कुक करके रखे हुए थे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जो रात के बचे हुए चावल है वो यूज़ करोगे तो उसमें भी ये राइस हो जाएगी। तो इन सबको मिक्स करने के बाद अब बारी आती है एग डालने की और फ्राइड ऑनियन डालने की। तो ये सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी इसी में ऐड कर देंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ हरा धनिया ऐड कर देंगे और अब बारी आती है इसको 2 मिनट तक के ढककर पकाने की ताकि सारे राइस और जो मसाले हैं वो एक दूसरे में अच्छे से 2 मिनट तक के कुक कर लूंगी। और 2 मिनट बाद मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि बिरयानी को सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिलीशियस हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल डिलीशियस एक बिरयानी बन के तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।